एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं शिलाजीत के बारे में। शिलाजीत एक ऐसा हर्ब है जो ढेर सारी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी से भरी हुई है। ये नेपाल और इंडिया के ऊंचे पहाड़ों में मिलता है और इसको सालों से आयुर्वेद में एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए आइए बात करते हैं कि शिलाजीत लेने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, शिलाजीत कैसे लेना चाहिए, कौन सी चीज़ों पे प्रिकॉशन रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप शिलाजीत का इस्तेमाल करना चाहते हो। शिलाजीत में ह्यूमंस ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड होता है जो 80% न्यूट्राकॉर्टिकल होता है। इसके अलावा इसमें फैटी एसिड, एल्बुमिन्स, पॉलीफेनॉल्स और अमाइनो एसिड जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इन सारी चीजों के अलावा भी शिलाजीत में 85 टाइप के ट्रेस मिनरल्स होते हैं जिसमें खास है सेलेनियम और आयरन। इसके अलावा इसमें कॉपर और जिंक भी है जिसमें से खास है कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयरन। तो चलिए बात करते हैं कि शिलाजीत हमें क्या क्या बेनिफिट्स देता है। सबसे पहला जो शिलाजीत लेने से बेनिफिट आपको मिलता है वो है एनीमिया से छुटकारा। देखिए शिलाजीत में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होती है। देखिए जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है ना, तो हमें बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। थकान के साथ साथ हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, इसके अलावा बहुत सी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो। और हीमोग्लोबिन की कमी तभी हो जाती है जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी होती है। शिलाजीत लेने से आपके बॉडी में आयरन की मात्रा काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी अच्छी मात्रा में बढ़ती है और ये आपके बॉडी में एनीमिया को दूर करने में काफ़ी मददगार है। इसके अलावा ये फटीग को बहुत अच्छी तरीके से दूर करता है। स्पेशली जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, जो लोग वर्कआउट करते हैं, उनके लिए शिलाजीत काफ़ी अच्छा है। वो अच्छे लेवल पे परफॉर्मेंस करने के लिए शिलाजीत ले सकते हैं। इवन बहुत लोग ऐसे हैं जो जिम वगैरह करते हैं, जो लोग वर्कआउट वगैरह करते हैं, वो डेली बेस पे शिलाजीत का इस्तेमाल भी करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाते हुए आपके मसल मास और मसल स्ट्रेंथ को काफी अच्छी तरीके से बूस्ट करता है। इसमें पाए जाने वाले सेलेनियम, आयरन और जिंक बहुत ही तेजी से आपके बॉडी स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ और बोन स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा शिलाजीत में बहुत ही अच्छी मात्रा में फुल्विक एसिड होता है जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ ब्लड फॉर्मेशन में भी काफी मदद करता है और जिससे हमारे बॉडी में थकान की जो समस्या है वो दूर होती है। बहुत लोग नहीं जानते कि फुल्विक एसिड जो होता है ना, वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी जैसा काम करता है। इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन को बहुत ही तेजी से बूस्ट करता है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर वो हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहते हैं। इसके अलावा फुल्विक एसिड जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छा मेमोरी एनहेंसिंग प्रॉपर्टी है जो अल्जाइमर जैसे डिजीज को क्योर करने में मदद करता है। ऑल ओवर थोड़ी सी मात्रा में शिलाजीत आपको बहुत सारी चीज़ों में फायदा करता है। आपके बोन हेल्थ, आपके मसल स्ट्रेंथ, आपके मेमोरी से लेके, आपके स्किन से लेके, आपके मेटाबॉलिज्म से लेके, आपकी एनीमिया की प्रॉब्लम, आपकी थकान की प्रॉब्लम, हर चीज़ में ये बहुत ही मददगार है। तो ये इतना जब मददगार है तो चलिए बात कर ही लेते हैं कि इसको लेना कैसे है। शिलाजीत तो ऐसे ही पेड़ पौधे पे नहीं उगते कि आप ले सकते हो, वो ऊंची पहाड़ियों की चोटी में मिलती है जिसको पहाड़ों के आंसू कहते हैं। तो उसको ना प्योर करना पड़ता है, इसको प्योरीफाई करना पड़ता है और मार्केट में वो कैप्सूल, रेजिन और पाउडर फॉर्म में मिलता है और इसको आपको गर्म पानी या गर्म दूध के साथ लेना होता है खाना खाने के बाद। पर शिलाजीत पेन लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि शिलाजीत जब आप लेते हो ना, तो वो प्योर होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई शिलाजीत इम्प्योर हो ना, तो उसमें आर्सेनिक, मरकरी और लीड जैसी प्रॉपर्टीज हो सकती है जो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। और इसके साथ ही इसमें फ्री रेडिकल्स भी होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कोई शिलाजीत परचेज करें मार्केट से, तो वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए। बिना सर्टिफिकेट के कभी भी कोई भी शिलाजीत परचेज ना करे। बहुत सारे कंपनियां प्योर शिलाजीत क्लेम तो करते हैं बट उसकी प्योरिटी कोई गारंटी नहीं होती। तो वो लैब टेस्टेड होनी चाहिए, उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए और उसकी चेक आप ज़रूर कर ले कि वो सर्टिफिकेट भी जेन्युइन हो। प्रेग्नेंट फीमेल्स और छोटे बच्चे शिलाजीत को अवॉइड करें, क्योंकि ये थोड़ी सी गर्म होती है, इन लोगों के लिए इसको अवॉइड करना ही सही है। तो जब भी शिलाजीत परचेज करें, प्योर परचेज करें और विद सर्टिफिकेट परचेज करें। तो ये कभी भी आपको हार्म नहीं पहुँचाएगा, उल्टा ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड और सब्सक्राइब। थैंक यू।